ये बता दें कि भैया इतनी प्रचंड बहुमत वाली इनकी सरकार, नोटबंदी के बाद कहीं किसी के घर में नोट नहीं मिलेंगे। वो पीयूष जैन कौन था जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसके घर में 257 करोड़ रुपए निकले थे, वो पैसे कहाँ गए? और वो जो हिमंता बिस्वा शर्मा, वो शारदा स्कैम, वो नारदा स्कैम, वो इनके गोदी में जरूर बैठे हुए हैं मगर पैसा कहाँ है और स्कैम का क्या हुआ? और वो जो मुकुल रॉय इनके पास आए फिर वापस गए, तब वो ठीक हो गए थे जब इनके पास थे, और जब चले गए तो फिर उनके पीछे। तो ये जितनी बातें बता रहे हैं उसमें बड़ा विरोधाभास है। येदियुरप्पा को तो खुद बताया था अमित शाह ने सबसे बड़ा करप्ट आदमी, और वहां पे वो जो मादल विरूपक्षप्पा, उसके घर से 8 करोड़ रुपए निकले थे, उनका क्या हुआ? और मोदी जी तो अब हमारी पिच पे आकर बोल रहे हैं ना कि सबसे बड़ी जाति गरीब की होती है, तो गरीब की जाति को गरीब और कैसे बनाना है, अडानी को और अमीर कैसे बनाना है, ये तो फॉर्मूला बहुत ही पक्का है मोदी जी का। लेकिन मोदी जी के सामने दूसरा नाम नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो संसद से खाली कर दिया इन्होंने, क्योंकि वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो, टीवी चैनल्स के कैमरा लगा दो और मोदी जी को बस भाषण दिलवा दो, और इनके इन लोगों को बस जो भाजपा के सांसद उनको चुप करके फिंगर ऑन योर लिप्स करके बैठा दो। तो सही बात यह है कि अगर आप संसद से बाहर निकालेंगे तो आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, कड़े सवाल देश पूछता है।